So we just sat down to sit. So we just sat down. अरे कहना क्या चाहते हो? So we just sat down for our breakfast और बुफे है but हमारे लायक कुछ है नहीं यहाँ पे. तो रोज की तरह फ्रूट, रेड बटर, रेड जाम और कॉफी. I'll just show you what we are having. इट्स नॉट लाइक कि खाने के लिए और कुछ नहीं था. इट्स जस्ट वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं होते हैं. सो वी स्टिक टू आर डेली ब्रेड एंड बटर, कॉफ़ी, फ्रूट्स और शुभम इज़ ओके विद एग्स. तो उसने एग्स भी ले लिए थे. द प्रॉपर्टी वी आर स्टेइंग एट इज़ अ रिजॉर्ट. इट्स नेम इज़ डेंडी रिजॉर्ट और काफ़ी पीसफुल और रिलैक्सिंग वाइब्स हैं यहाँ पे. सर्विसेज बहुत एक्सेप्शनल हैं. पीपल स्टाफ वर वेरी हेल्पफुल. ऑल्सो इट्स Beyond beautiful. तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, we'll definitely recommend you this place. It has a swimming pool, it has a restaurant and a bar. It is in the main city and everything in a very reasonable price. तो आप definitely check out कर सकते हो इस property को. First, फटाफट से नाश्ता वगैरह ख़त्म करके we are going to continue our day and we are going to the beach. Let's go. We have just taken a bike on rent from our resort only. And now we are going to the beaches. Are you ready, Shubham? Yo, all ready. Oh, garmi bahut hai idhar. I am ready already. See. Broke humor. Thank you. And can we get that one, Mike? Because we have. Now he wants to change the bike. तो हम निकल चुके हैं साउथ बीच की तरफ और मैं आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए जा रही हूँ. आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये आइलैंड और कितना ज़्यादा लेस क्राउडेड भी है. फूको इज़ डेफिनेटली अ हिडन जेम. लोग पूरा वियतनाम का ट्रिप करके चले जाते हैं बट उन्हें फूको के बारे में नहीं पता होता और ये अनएक्सप्लोर्ड रह जाता है. आपको ये गलती नहीं करनी है. इससे पहले दिस प्लेस बिकम्स ओवरली क्राउडेड एंड ओवरली एक्सपेंसिव, आपको यहाँ का ट्रिप मार के आना ही है. वेल, दिस इज Shubham's first time experience on a beach. You don't look happy. Because I am wearing mask, man. What is this? Like I expected something else. I jumped when I saw the beach for the first time. We had our lunch at this beachside restaurant. It costed around 1500 to 1600 for two people and is view ke sang lunch was not at all expensive. It was all worth it. Isse mehenga I think Goa mein hota hai. So it was definitely worth it. Next on our list was Khem Beach. Khem Beach was less crowded and less busier than the Sau Beach, but it does not mean that it was any less beautiful. It was completely surrounded by coconut trees. The sand was white, the water was crystal clear, and the sunset was breathtaking. आज डे आज का. तो आज हम केबल कार वाली राइड पे जा रहे हैं. अभी हम केबल कार जा रहे हैं और हमारा मोटिव थोड़ा दूसरा है. मोटिव ये है कि केबल वाला तो हम करेंगे ही करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो सिटी जो मतलब वो उन्होंने पूरा सिटी बना रखा है वो बहुत ब्यूटीफुल है. पूरी यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न वाइब्स है वहाँ. इतना खूबसूरत. तो वहाँ पे हमारा इसके बाद केबल कार वाले का बाद मोटिव है कि हम वहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींचने वाले हैं. तो बस अब हम ऐसे ही कर रहे हैं. और ये शटल का भी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी आप लोगों को. तो ये जो है ये मतलब अगर आप टिकट मोर इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट स्टफ है कि जो आप भी जो भी आप वो टिकट्स बाय करते हो ना
जैसे सनवर्ल्ड का है तो हमने सनवर्ल्ड का टिकट बाय किया तो ये लोग उसकी शटल आपको फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। हर हर स्टॉप पे एक बस स्टॉप बना हुआ है, अगर आप उस बस स्टॉप तक आ जाते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आप वो करेंगे कैब्स करेंगे तो आपको हजार हजार डेढ़ डेढ़ हजार रुपए की कैब्स पड़ेंगी जो कि मतलब यहाँ की करेंसी में कितना होता है मतलब बहुत होता है हमारी 12,50,000। हाँ हमारी करेंसी में 3,000 रुपए आना जाना केवल उसके बाद केबल कार का टिकट, तो फिर वो चीज गलत है। तो फिर इसीलिए फ्री शटल आप जहाँ का भी टिकट लें याद रखें कि फ्री शटल्स और टिकट के संग इन्वॉल्व होता है। ओके बाय। द राउंड ट्रिप ऑफ दिस केबल कार राइड कॉस्ट यू अराउंड 6,50,000 VNDs विच इज़ अराउंड 2,200 रुपीज पर पर्सन। इतना ही नहीं, इस टिकट में सन वर्ल्ड वाटर पार्क का टिकट भी इंक्लूडेड है। द वाटर पार्क इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेशन विच मीन्स आप पहले एक तरफ राइड करते हुए जाओगे, दिन भर आप वहाँ पे सन वर्ल्ड वाटर पार्क में स्पेंड कर सकते हो एंड देन वहाँ से वापस आपको इसी केबल राइड में वापस आना है। आपको एक बार में ही दोनों तरफ का टिकट मिल जाता है तो व्हेन यू कम बैक यू हैव टू कीप द सेकंड टिकट रेडी, आप उसे खो नहीं सकते हो अदरवाइज इट विल चार्ज यू एक्स्ट्रा। रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लॉन्गेस्ट केबल कार अक्रॉस द सी इन द वर्ल्ड विद द लेंथ ऑफ 7,899.9 मीटर दैट इज अराउंड 8 किलोमीटर्स। इट टेक्स यू थ्रू द स्काई, अलाउज यू टू फ्लाई ओवर the sea over Hondua and Hondroy Islands. You get to admire the wild and majestic nature from above and fully explore the beauty and wonder of paradise that is the Southern Pearl Island is. देखो तुम ट्रिप पे आए हो तो तुम फोटोज और वीडियोस तो लोगे ही, स्टोरीज वीडियोस फोटोज व्लॉग्स तुम्हें जो लेना है लो, बट रिमेंबर टू एक्चुअली लिव इन द मोमेंट, एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग राइट देयर एंड देन। क्योंकि मैं अपनी फ़ोन की मेमोरी भरने से पहले अपनी आंखों को भरना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हूँ क्योंकि कोई भी जगह फोटोज और वीडियोज से ज़्यादा आपकी मेमोरीज में खूबसूरत होती है। राइड खत्म होने के बाद डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल सनसेट टाउन एंड टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस। इस एक्टिविटी का कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पेरिस में हो। बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या कोई भी क्वेश्चन हो आपका वियतनाम रिलेटेड बजट ट्रिप रिलेटेड तो जस्ट पुट इट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल रिप्लाई देयर एज वेल। बस गाइज आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।